आज से तकरीबन 60 साल पहले एक जगह पे एक प्रभु के दास प्रचार कर रहे थे। ऐसा ही एक कन्वेंशन चल रहा था, कन्वेंशन के बीचों बीच काफी मात्रा में लोग आए हुए थे, हॉल पूरा भरा हुआ था, कम से कम 4 से 5 हजार लोग न्यूयॉर्क सिटी में उस प्रचार को सुनने के लिए वहां पे आए हुए थे। 4-5 हजार लोगों के बीच में ऐसे ही एक पोडियम के खड़े हुए प्रभु के दास जब प्रचार कर रहे थे, बीचों बीच एक औरत भयंकर तेजी से दौड़ती हुई, बीचों बीच दौड़ती हुई आती है, और दौड़ती हुई आती है तो कई सारे अशर होते हैं, वो उसको रोकते, वो चिल्ला रही होती है, लोग उसे रोक रहे, लेकिन वो चिल्ला रही, वो दौड़ती है, वो बिल्कुल पास आ जाती है, और सब लोग कहते हैं उसे हटने के लिए, प्रचार करने दो, लेकिन वो कहती, नहीं पादरी साहब आप मेरी एक बात सुनो करके कहा। तो पादरी साहब ने कहा कि नहीं उसे मत रोको, उसे बताने दो क्या बात हो गई है करके। तो उसने कहा कि बात ये है पास्टर जी, मेरा बेटा वो आज जेल में है, चंद घंटे बाद उसे फांसी की सजा सुना दी गई है, वो मर जाएगा, न्यूयॉर्क के जेल के अंदर उसकी सजा है, वो मर जाएगा। प्रभु के दास ने बोला, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं इसमें। उसने बोला, मेरे बेटे से मेरी आखिरी बार फोन में बात हुई है, और उसने मेरे को बोला, मां जज नहीं विश्वास करता, कोर्ट नहीं विश्वास करता, मित्र नहीं विश्वास करते, कोई नहीं मानता, सब ये कहते मैंने ही मर्डर किया है, मैंने ही मारा है, मैं दोषी हूं, लेकिन मरने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने वो मर्डर नहीं किया, मैंने वो गलत नहीं किया, मैं निर्दोष, चाहे अब मैं बचूं या ना बचूं, कल सुबह में मर जाऊं, मुझे इलेक्ट्रिक चेयर में एग्जीक्यूट कर दिया जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं चाहता हूं आपको सच पता होना चाहिए कि आपका 22 साल का लड़का निर्दोष है। मां ने कहा, मैं अपने बेटे को जानती हूं, मरने से पहले उसका यही बात था कि वो निर्दोष है, मैं आज आपके पास इसके लिए आई क्योंकि मैंने सुना है कि स्वर्ग में बैठा खुदा निर्दोषों की मदद करता है, दुनिया के न्यायी ने मेरे बच्चे को अगर फांसी की सजा सुना दी है तो मैं चाहती हूं कि वो जो ऊपर बैठा है वो निर्दोषों का परमेश्वर है, वो मेरे बेटे के लिए रास्ता खोले। प्रभु के दास ने वहां पे खड़े हुए बैठे हुए 5000 लोगों को कहा, आओ मेरे साथ जुड़ो दुआ में। उन्होंने कहा परमेश्वर मैं तो नहीं जानता क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन क्योंकि तू सच्चा है और तेरे जैसा कोई न्यायी नहीं है, अगर ये मां का लड़का अगर ये निर्दोष है और इसने मर्डर नहीं किया है तो जिस किसी ने किया है हम अभी दुआ कर रहे हैं, वो जहां कहीं भी है उसके हृदय से पाप करना, और ये निर्दोष कल इस जेल में मरना नहीं चाहिए। आमीन कहकर उस मां से उस प्रभु के दास ने कहा, तू निराश ना हो, विश्वास कर जा। मीटिंग खत्म हुआ, प्रभु के दास होटल में गए, अगले दिन सुबह वो उठे, सुबह जल्दी उठे, कॉफी पीने के लिए होटल के बगल वाले एक रेस्टोरेंट में उन्होंने कदम बढ़ाया। जैसे रेस्टोरेंट में घुसे तो वहां पे न्यूज़पेपर था, न्यूयॉर्क टाइम्स का, उन्होंने न्यूज़पेपर लिया, चेयर पे बैठे, उन्होंने एक कॉफी मंगाई, वेटर कॉफी लेकर आया, कॉफी लिया, न्यूज़पेपर खोला, न्यूज़पेपर के पहले पन्ने पे लिखा है, कल रात जिसको इलेक्ट्रिक्यूट करना था उस लड़के को न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूयॉर्क के जेल ने तत्काल के लिए रोक दिया है, और पता नहीं क्या हुआ लेकिन तत्काल के लिए रोक दिया है। आमीन। प्रभु के दास अचानक ध्यान देते हैं, यार ये कहीं वही तो नहीं है जिसके लिए कल दुआ किया था, पेज नंबर 3 में इसके बारे में ज्यादा लिखा था। प्रभु के दास ने एक्साइटमेंट में पेज नंबर 3 खोला, कहानी को पढ़ना शुरू किया, कहानी में लिखा है तकरीबन रात को 10:30 बजे जब इस लड़के को एग्जीक्यूट करने के लिए मारने के लिए तैयारी की गई तो जेलर को एक फोन कॉल आता है, और फोन कॉल आता है और बोलता है ये अर्जेंट है, बात करना पड़ेगा। जेलर जाता है, बोलता है क्या बात हो गई, बोला जिस लड़के को आप एग्जीक्यूट करने जा रहे हो, इलेक्ट्रिक्यूट करके मारने जा रहे हो, वो लड़का निर्दोष है। जेलर कहता है ऐसे तो बहुत लोग बोलते हैं, तेरे पास कोई सबूत है, मजाक मत कर, फोन रख। उसने बोला ये मजाक नहीं है, वो निर्दोष है। उसने बोला, जेलर ने कहा जज ने पास कर दिया है, यही खूनी है। उसने बोला नहीं ये खूनी नहीं है, खूनी मैं हूं जो कॉल कर रहा हूं, मैंने मारा है। आमीन।
मैंने मारा है। जिलर कहता तू होश में है, पी तो नहीं रखी, तू पहली बार कोई आके इधर को कह रहा है मैंने मारा है। बोला मत मारना, मैं आ रहा हूं, ऑन द वे हूं। आया, अंदर घुसा, जेलर के साथ बैठा, जेलर से बात किया। जेलर ने पूछा, भाई ये 1.5 साल से केस चल रहा है, 1.5 साल से तू नहीं आया यहाँ पे, मरने के चंद घंटे पहले यहाँ पे आके कबूल क्यों कर रहा है? उसने बोला मुझे भी नहीं पता मैं क्यों कबूल कर रहा हूँ, मैं अपने घर में आराम से बैठा था और कुछ मेरे दिल में काम कर रहा, कह रहा है तूने एक को तो मारा है ही है, दूसरे को मरने मत दे, कॉल करके बोल तू खुद। मैं आज आपको कह रहा हूँ अमित, तेरे दुआ में ताकत है, अभिषेक में ताकत है, जितना भी बड़ा चूहा क्यों ना हो जिंदा खुदा तोड़ने के लिए ताकतवर है, कोई और ये चूहा तोड़ नहीं सकता, कोई इंसान नहीं तोड़ सकता, आमीन, कोई 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 ताकतवर व्यक्ति नहीं तोड़ सकता। वो तेरे दिल के अंदर से आने वाली दुआएं वो बेकार नहीं है, जब समय आएगा वो अभिषेक सही जगह जाकर तेरे बेटे के लिए, तेरी बेटी के लिए, तेरे परिवार। ओरी बाबा बादशाह, कितने लोग विश्वास करते हैं, मेरा प्रार्थना व्यर्थ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। गेत्सेमनी की वाटिका में जब यीशु मसीह दुआ कर रहा था, परमेश्वर ने कहा सुना बहा, तेरे अभिषेक में ताकत है, तुझे उठा के क्रूस पे डाल दे, मार दे, काट दे, पीट दे, आमीन, तुझे तोड़ दे, गड्ढे के अंदर डाल दे, वो तेरे शरीर को तो मार सकते हैं पर तेरे अभिषेक को नहीं मार सकते, वो अभिषेक तुझे तीसरे दिन जिंदा करेगा। हालेलुया, आप समझ रहे हैं, उन्होंने यीशु को तो मार दिया पर अभिषेक को नहीं खत्म कर पाए, ये अभिषेक का ताकत है।